हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। मित्रों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया हुआ है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताए थे। अब इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिको फैरेड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, रिमेंबर इट, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6। सबसे पहली बात, सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट को चाहिए कि क्वेश्चन वो अपने से पढ़े और कोशिश करे कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट क्वेश्चन समझ तो रहे हो। अब देखिए, है क्या हमारे पास एक कैपेसिटेंस है जिसकी प्लेट्स के बीच एयर है। ओके, जैसे हम मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर है हमारा, कैपेसिटर उसकी जो प्लेट्स हैं उनकी एरिया ए है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू ए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू डी। ओके, इफ मीडियम बिटवीन एयर, इफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स इज एयर, देन देन जो है गिवन दैट कि जो कैपेसिटेंस है आपको दिया है 8 पिको फैरेड। ओके, 8 पिको फैरेड, हम पिको फैरेड में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो जो सी का फार्मूला होता है इसको आप सी नॉट से भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली हमने सी से दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी नॉट से हमने दिखाया है एयर कैपेसिटर को। देखिए, इसका होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए सी नॉट की वैल्यू होती है, सी नॉट की वैल्यू होती है कब, मतलब जब प्लेटों के बीच एयर भरा हुआ है तब। ए आपको मिलेगा 8 पिको फैरेड, मतलब याद रखें इस पूरे की वैल्यू 8 पिको फैरेड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, उन्होंने एक सेकेंड सिचुएशन बताई कि प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये हमारा फर्स्ट केस था, इसका फर्स्ट केस, जो फर्स्ट केस है हमारा इस तरह का है। सेकंड केस जो है हमारा, सेकंड केस में जो हमारा एरिया तो ए ही है, लेकिन देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इसको हम डी डैश दिखा लेते हैं, एंड दिस इज डी बाई टू, पहले वाले का हाफ है। और यहां पर एयर नहीं है, एक मीडियम भरा है प्लेट्स के बीच में, और वो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6 है। अब हमसे पूछा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C हमको कैलकुलेट करना है, तो होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश। इस बार K आ गया है तो ये फार्मूला होता है, डिस्टेंस हमारी जो नई डिस्टेंस है वो D डैश हमने ली रखी है। अब देखिए, तो जो K है, K की वैल्यू तो 6 है, A उतना ही है आपका, एप्सिलॉन नॉट है, D डैश की वैल्यू है D बाई टू, तो ये 6 ऊपर चला आएगा, तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पूरे की वैल्यू है 8 पिको फैरेड। ठीक है, तो यहाँ आइए हम इस कोने में लिख देते हैं, C इज इक्वल टू, कॉर्नर में आइए, 12 इंटू 8 पिको फैरेड, 8 पिको फैरेड, अगर नहीं तो आपका बन जाएगा यह 96 पिको फैरेड। एक बहुत ही साधारण सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर। तो अब आपके सामने बोर्ड पे है हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, मैंने कैमरा रोक रखा था लिखने के लिए ताकि टाइम बच सके। 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स
एंड यू हैव आल्सो कैलकुलेट और फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट। ठीक, देखिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है थ्री कैपेसिटर्स का है, ठीक है। देखिए मैं ऐसे फिगर आपके लिए बना देता हूं, हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, सबके सब 9 माइक्रोफेरेड के हैं, 9 पिकोफेरेड दिया हुआ है, 9 पिकोफेरेड, 9 पिकोफेरेड। इनको एक सप्लाई से, ठीक है ना, इनको एक सप्लाई दी गई है, ठीक है। मान लीजिए कि इनको बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, तो अब ये 120 वोल्ट जो है इनको दिया गया है 120 वोल्ट। तो पहली बात तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और दूसरी बात सबका, सबकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वाला हम दो तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये सब के सब सीरीज में है, तो आप जानते हो कि जैसे कि अब C1 है आपका 9 पीको फेरेड, C2 है आपका 9 पीको फेरेड, C3 है आपका 9 पीको फेरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं, एक ऐसा कैपेसिटर जो वही वर्क करे इतनी सप्लाई पर जितना कि ये तीनों मिलकर करते हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप सी ले लीजिए, तो उसके लिए हम देखेंगे 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C = 1/9 + 1/9 + 1/9 = 3/9। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो C नीचे पलट देंगे आप, तो आपको मिलेगा C = 3 pF। C = 3 pF, ठीक। अब देखिए, तो इस तरह से हमने मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड है हमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस, देखो अक्रॉस ईच कैपेसिटर मतलब उसकी प्लेटों के बीच का, ठीक है। तो इसको हम V डैश से दिखा लेते हैं। टोटल सप्लाई 120 वोल्ट की है, तीनों के कैपेसिटेंस इक्वल है, एक 120 वोल्ट जो है ना आपका, ये तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा आपका, तो आपको मिलेगा 120/3 = 40 वोल्ट। तुरंत हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर अगर इनके अलग अलग होते तब क्या करते, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए तो बड़ा आसान था, अगर इक्वल है तो आप 120/3 कर दो, 4 है तो 120/4 कर दो, मतलब जितना सप्लाई हो उसका बाई उतना कर दो जितने हो। अब मान लीजिए इनके अलग अलग होते तब भी आपके मन में आता, 100 देखिए हो गया हमारा बहुत छोटे में, अब मन में आता है कि हम इसे अगर अलग अलग होता तब कैसे करते, ठीक। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ध्यान दें, जैसे कि आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपका आ गया 3 pF, ठीक है, इसको आप फेरेड में कन्वर्ट कर लोगे तो 3 × 10⁻¹² में आ गया। आप चार्ज पता कर लो, इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हैं आप, यहां पर अब इतने कैपेसिटर्स नहीं बचे हैं, यहां पे सप्लाई है मान लीजिए, यहां पे केवल एक कैपेसिटर बचा हुआ है, इसका आपका है 3 × 10⁻¹² मतलब इन तीनों की जगह ये अकेला काम कर रहा है, आपको इसे सोचना पड़ेगा। तो इसका आपका 120 वोल्ट है, तो चार्ज निकाल लीजिए, जो चार्ज इस पर आएगा वही चार्ज सब पर होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, जो चार्ज इन सब पर है वही इनके इक्विवेलेंट पर है, ठीक। तो अब देखें, पहले हम चार्ज निकाल लेंगे, देखिए चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्या इतनी लैंग्वेज लिखेंगे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मतलब देखिए जो इक्विवेलेंट पर होगा, इक्विवेलेंट पर होगा वही सब पे होगा, तो हम निकालेंगे उससे, तो Q इज इक्वल टू होता है आपका CV, तो C आपका है 3 × 10⁻¹² और V आपका है
120, ये आपका हो जाएगा 360 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है, हाँ इतना कूलाम में आ गया। ओके, अब देखिए, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ओके, इसे वी डैश इक्वल टू, वी इक्वल टू होता है क्यू अपान सी, तो क्यू तो आप इतना ले लोगे 360 इंटू 10 पावर माइनस 12, और वी इक्वल टू क्यू अपान सी मतलब एक का, किसी एक का आप ले लीजिए, तीनों तो इक्वल है ही आपका, जैसे इसका निकालना है तो इसका लेंगे, इसका निकालना है तो इसका लेंगे, इसका निकालना है तो इसका लेंगे, इत्तफाक की बात है कि तीनों है सेम, चार्ज तीनों पर सेम रहेगा, तो ये आपका 9 इंटू 10 पावर माइनस 12 बनेगा, 9 पिको फेरेड है ना, पिको हटाएंगे 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 फोर जा 36, फिर देखिए आ गया 40 वोल्ट अपने आप आ गया, ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं और उस तरह से भी। अब बढ़ते हैं अपने हम थर्ड न्यूमेरिकल की ओर, तो अब आपके सामने बोर्ड पर है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, 3 कैपेसिटर्स, 2 पीको फेरेड, 4 पीको फेरेड एंड 1 इज मिसिंग, 3 पीको, 2 पीको फेरेड, 3 पीको फेरेड, एक आपका 3 पीको फेरेड भी है, 3 पीको फेरेड कामा 4 पीको फेरेड में यहां लिख देता हूं, 4 पीको फेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, 2 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपको निकालना है, व्हाट इज रिजल्टेंट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। देखिए, जैसे कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, इनको पैरेलल ऐसे कनेक्ट किया गया है, जो सप्लाई है वो है 100 वोल्ट की, ये बैटरी लगी हुई है, ये 100 वोल्ट की है, ठीक, उसके बाद ये आपका है 2 पीको फेरेड, 3 पीको फेरेड, 4 पीको फेरेड, ठीक। अब देखिए, व्हाट इज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, अब आप जानते हो कि पैरेलल में लगा हुआ है तो इनका सम होता है रिजल्टेंट, तुम्हारा जो पहला वाला है C1 इज इक्वल टू, पहले आप इसको लिख लेते हैं, 2 पीको फेरेड, C2 इज इक्वल टू 3 पीको फेरेड एंड C3 इज इक्वल टू 4 पीको फेरेड, तो इक्वी वैलेंट कैपेसिटेंस जो है आपका C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 3 प्लस 4 पीको फेरेड, ओके, तो 9 पीको फेरेड, तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 12 फेरेड, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। अब कहने का मतलब ये हुआ ना कि इन तीनों को हम हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे केवल एक कैपेसिटर काम करेगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 पीको फेरेड वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हमको सब पे चार्ज निकालना है, ठीक है, तो सब पे चार्ज अगर हमको निकालना है तो हमको चाहिए क्या, अगर हम चार्ज निकालना चाहते हैं तो यार तो बहुत आसान हो गया है, तो अब देखिए, हमें वोल्टेज जो दिया हुआ है 100 वोल्ट है, और वोल्टेज अगर पैरेलल में है तो सबका सेम ही होता है, तो ये C1 है, C1 V कर दो, C2 V कर दो, C3 V कर दो, जो हमारा सेकेंड वन है, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। अब देखिए, इसका चार्ज हम Q1 ले लेते हैं, इसका Q2, इसका Q3, तो जो Q1 है वो आपका C1 V हो जाएगा, जो Q2 है आपका C2 V हो जाएगा, जो आपका Q3 है वो आपका C3V हो जाएगा, तो C1 है आपका 2 पीको फेरेड, तो पीको हटाओगे तो 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा, अब V की वैल्यू है आपकी 100, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, तो आपको मिलेगा ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलाम। इसी तरह जब आप Q2 कैलकुलेट करोगे, ठीक है,
तो सी टू वी करोगे तो 3 × 10⁻¹² × 100 करोगे तो 3 × 10⁻¹० कूलाम आएगा। इसी तरह जब आप क्या करेंगे Q3 को सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻¹० कूलाम आ जाएगा। सिमिलरली जैसे मैं इसे हटा रहा हूँ अभी, अब जैसे आप Q3 कैलकुलेट करोगे तो C3V आएगा, मतलब 4 × 10⁻¹² × 100 = 4 × 10⁻¹० कूलाम। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीन न्यूमेरिकल किए कैपेसिटर से रिलेटेड में, जो मेरा अगला वीडियो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, जैसे कोई क्रिटिकल सर्किट होता है तो उसमें किस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल्स के साथ।